देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 11 जनवरी 2022 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले हैं। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 6097 नए मामले सामने आए हैं। मौतें 2 और 1539 रिकवरी दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 32469 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 19286 नए मामले सामने आए हैं। 8187 रिकवरी हुई हैं। 16 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 89194 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 3928 नए कोविड 19 मामले, 884 रिकवरी और 8 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 19389 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 5736 नए कोरोना के मामले, 1552 रिकवरी और 5 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 22500 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1825 नए मामले सामने हैं। 351 रिकवरी हुई, 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामले 14995 हैं। नंबर छह, असम में कोरोना वायरस के 2198 नए मामले सामने हैं। 416 रिकवरी हुई हैं, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 8214 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 11698 नए मामले सामने हैं। 1148 रिकवरी हुई हैं और 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 60170 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 8311 नए कोरोना के मामले, 335 रिकवरी दर्ज की गई है। इस दौरान 4 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 33946 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना के 13990 नए मामले सामने आए हैं। 2547 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 62767 हैं। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 489 नए कोरोना के मामले, 17 रिकवरी दर्ज की गई है। कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1722 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 1592 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने हैं और कोरोना से 661 लोग ठीक हुए हैं। एक मौत दर्ज की गई। सक्रिय मामले 10139 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 984 नए मामले सामने आए हैं। दौरान 152 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5606 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6099 नए मामले सामने आए हैं। दौरान 472 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 25088 हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 5797 नए मामले सामने हैं। 2796 रिकवरी हुई हैं। 166 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 38436 हैं। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2397 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। एक मौत हुई है। 559 ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 8599 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 4482 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 1789 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 26019 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1200 नए मामले सामने आए हैं। 160 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 2 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 4186 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 103 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 438 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 5022 नए कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 691 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस दौरान 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 20939 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4829 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 414 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 20199 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 579 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 49 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 1332 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 33470 नए मामले सामने आए हैं। 49661 रिकवरी हुई हैं। 8 लोगों के कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामले 209764 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 8311 नए मामले सामने आए हैं और 335 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 33946 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 19166 नए कोरोना वायरस के मामले सामने हैं। 14076 रिकवरी हुई है। कोरोना से 17 मौतें हुई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 65806 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4 लोग डिस्चार्ज हुए। कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 352 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 967 नए मामले सामने आए। इस दौरान 77 लोग डिस्चार्ज हुए और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 3253 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 706 नए कोरोना के मामले, 209 रिकवरी और 4 मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4024 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 70 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 448 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 1513 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 214 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 5910 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।